स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो है एक ब्रोकर एप्लीकेशन के थ्रू अपना बिजनेस कैसे कर सकता है। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि जो मार्केट में एप्लीकेशन अवेलेबल है और वो लोग जो आपको लोड प्रोवाइड करते हैं, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। एक ब्रोकर जो है, जो कि कमीशन एजेंट है या फिर ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर है या फिर अपना ब्रोकर फर्म चला रहा है, वो अपना एप्लीकेशन लॉन्च कैसे कर सकता है मार्केट में और वो बिजनेस अपने मतलब आपके अपना जो एप्लीकेशन है उस पर अपना बिजनेस कैसे कर सकता है। जनरली मैं बात करूँ, मार्केट में ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं, कमीशन एजेंट हैं, ब्रोकर फर्म वाले हैं, जो कि आज के डेट में अपना उन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च किया है। बट हर किसी ने एक गलती किया है जो आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं बताऊं तो जो एप्लीकेशन मार्केट में उन लोगों ने अवेलेबल करवाया है, जो उन्होंने बनवाया है, उसमें अच्छे अच्छे फैसिलिटीज है। जैसे कि मैं बात करूं, ट्रक ट्रैकिंग वहां पे आपको मिल जाएगा उस एप्लीकेशन पे, वहां से आपको लोड मिल जाएगा, वहां से आपको बिल्टी बना हुआ मिल जाएगा, वहां पे लोडिंग स्लिप मिल जाएगा, वहां पे आपको पेमेंट से रिलेटेड डिटेल मिल जाएगा, वहां पे आपको पीओटी से रिलेटेड डिटेल मिल जाएगा। तो अलग अलग एप्लीकेशंस पे अलग अलग फीचर्स है, बट अच्छे अच्छे फीचर्स है। इसके अलावा कोई भी मटेरियल कहाँ है, कब डिलीवर हुआ, ये सब कुछ मिल जाता है। बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, सारे एप्लीकेशंस जितने भी मार्केट में हैं, या तो वहां पे ट्रक नहीं मिल पाता है टाइमली, या फिर वहां पे आपको लोड नहीं मिल पाता है टाइमली। तो एक कमीशन एजेंट, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर या ब्रोकर अपना एप्लीकेशन डेवलप करवा करके किस तरह से यूज कर सकता है। मेरे दो तीन व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझसे ये कमेंट में पूछा था, इंस्टाग्राम पे भी पूछा था, साथ में उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था कि सर इस तरह का मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं अपना एप्लीकेशन डेवलप करना सकता हूँ, कोई कॉन्सेप्ट बताइए जिससे कि मैं ये कर सकूँ और थोड़ा जो मार्केट से जो लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग में कर सकूँ। तो दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं, बट डिपेंड करता है कि जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है उसके लिए अच्छा खासा पैसे का भी इन्वेस्टमेंट होता है, थोड़े इंटेलिजेंसी की जरूरत होती है, स्मार्टनेस की जरूरत होती है। तो मैं वो सारे कॉन्सेप्ट छोड़ देता हूँ, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको प्रॉब्लम भी नहीं आने वाला है क्योंकि उसका सोल्यूशन खुद आपके पास है। तो मैं वही लेकर के आता हूँ और वही बताता हूँ आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ। तो दोस्तों होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। जनरली जो मार्केट में एप्लीकेशन अवेलेबल है वो क्या करते हैं कि अपना एप्लीकेशन बनवा करके एक गूगल प्ले स्टोर पे उसको लॉन्च कर देते हैं। वो चाहते हैं कि बाहर के जो ट्रक वाले हैं वो उस पे आए और उस पे आकर के बिडिंग करे या फिर जो लोड वगैरह अवेलेबल होता है उसको एक्सेप्ट करे। ये जनरली उनका थॉट प्रोसेस होता है, वो सोचने का तरीका होता है। बट वहाँ पर वो एक गलती सबसे बड़ा करते हैं कि उनके पास खुद का अच्छा खासा ट्रकों का बेड़ा होता है। अगर मैं जनरली बात बताऊं, जो मैं ये सारे एप्लीकेशंस के बारे में आपको बता रहा हूं, ये सारे अच्छे खासे पुराने कमीशन एजेंट या फिर ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर या फिर ब्रोकर फर्म चलाने वाले हैं, जो कि पहले से उनके पास अच्छा खासा, किसी के पास 400 ट्रक अटैच है, किसी के पास 600, किसी के पास 700 ऐसे ट्रक अटैच्ड है और दो तीन अलग अलग लोग मिलकर के उस बिजनेस को चलाते हैं। एक्चुअल में देखा, आप लोग ये बिजनेस करते हो तो आपको भी पता होगा कि इस तरह के जो बिजनेसेस है इसमें दो तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग रूट के लिए, लेकिन इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि जो उनके पास अपने ट्रक का बेड़ा होता है, जो उनके पास अपना ट्रक होता है जो अटैच करके वो मार्केट में चला रहे हैं, पहले वो उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। बोलने का मतलब हुआ कि अगर आप किसी एक सामान को ला करके मार्केट प्लेस में रख दीजिए तो 10 लोग उस पर विश्वास करेंगे और 10 लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो यही चीज देखा गया है। और एक्चुअल में आज के डेट में इतने सारे एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं कि वहां पे ज्यादा लोड नहीं मिल पाता, लोगों का वहां से भरोसा उठ गया है। ये भी देखा गया है कि बहुत सारे तो एप्लीकेशन ऐसे हैं जहाँ पे कि आपको लोड ना के बराबर मिलेगा, बट एक रजिस्ट्रेशन का लंबा चौड़ा प्रोसेस है, डेटाबेस वहाँ से भरवाया जाता है। तो अगर आप इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप पहले से ब्रोकर फर्म चला रहे हैं या फिर कमीशन एजेंट है या फिर ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये तो पक्का है कि आपके पास ट्रकों के लिए पर डे रिक्वायरमेंट आता है। मतलब कि आपके पास पर डे का कम से कम 30-40-50 लोड होता है, जो कि 3-4 लोग मिल करके
रन करते हैं, जैसा देखा गया कि यही तीन चार लोग मिलकर के रन करते हैं बहुत सारी जगहों पर, ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाओ तो आपको ये देखने के लिए मिल ही जाता होगा। तो इनके पास 30 40 20 50 लोड होते हैं, ज्यादा की मैं बात नहीं करता हूँ, इतना छोटे पे बात करता हूँ अब। बट उनके पास क्या है कि 300 400 500 ट्रक अटैच्ड है, तो उनको सबसे पहले क्या करना है, एप्लीकेशन बनवाना है जहां पे कि लोड से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मिल जाए, जो ट्रक वाले हैं उनको अपने भाड़े से रिलेटेड डिटेल मिल जाए, कितनी कमाई हो रही है इससे रिलेटेड डिटेल मिल जाए, उनका ट्रक कहां पहुंचा है इससे रिलेटेड डिटेल मिल जाए, पीओडी वगैरह, वेंडर स्लिप वगैरह जो भी होता है, ये सब कुछ जो है चीजें आपके एप्लीकेशन में होने, और ये सब जो है एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। तो आपको क्या करना है, सारे तो एप्लीकेशन में आपको इन्वॉल्व करना ही है जनरली, कि आपको ट्रक मैनेज करने के जो ट्रिप मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं वो होने ही चाहिए, ट्रैकिंग आप रख सकते हो जिससे कि जो आपके ट्रक वाले हैं उससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए उन लोगों को, बिल्टी वगैरह आप वहाँ पे बनवाइए, अगर किसी का बुकिंग है तो वहाँ पे बिल्टी मिल जाए, इसके अलावा लोडिंग स्लिप, इतना जब कुछ आप अपने एप्लीकेशन में इन्वॉल्व कर देते हो। इसके अलावा पेमेंट से रिलेटेड डिटेल की, जब आप ट्रक किसी का जो आपके पास अटैच्ड है जब उनसे ट्रक ले रहे हो तो आप उनको कितना दे रहे हो, किस तरह से दे रहे हो, मतलब कि ऑनलाइन दे रहे हो तो कैसे दे रहे हो, क्या उसका यूटीआर नंबर है, कैश दे रहे हो तो कितना दे रहे हो, उनके ड्राइवर के दे रहे हो उसको दे रहे हो या फिर ट्रक मालिक को ही डायरेक्ट दे रहे हो, तो ये सारे जो कुछ चीज़ें हैं कॉमन होता है, एक स्टैंडर्ड होता है डिटेल्स जो कि एक एप्लीकेशन में होने चाहिए। ऐसे डिटेल्स में मैं बता ही रहा हूँ कि अगर मैं बात करूँ तो बहुत कुछ है इसके अंदर, बट ये एक स्टैंडर्ड है कितना एप्लीकेशन में होना चाहिए। ये सब जब आप अपने एप्लीकेशन में इन्वॉल्व कर लेते हो, फिर आपको क्या करना है, आपके अपने जो ट्रक अटैच्ड है इसको वहीं पे सबसे पहले लॉन्च करना है, ना कि इसको मार्केट में खुला छोड़ देना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, जो गलतियां दूसरे लोग कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये सबसे पहले आपके पास जितने ट्रक अटैच्ड किए हुए हैं, चाहे 200 50 100 500 600 हो, वो सारे ट्रक मालिक को या फिर उनके ड्राइवर को वो एप्लीकेशन दे दीजिए और बोलिए कि उसको वो यूज करेंगे। जब आप उस एप्लीकेशन पे पर डे का मतलब हर दिन का लोड डालते हो तो उनके पास वो रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ कौन सा आज के डेट में कहाँ से कहाँ के लिए लोड है, और जब 500 लोग उस पे अटैच्ड है, 500 लोग जब जुड़े हुए हैं और एक रूट के लिए, अब एग्जांपल लेते हैं कि दिल्ली से मुंबई के लिए जाना है कोई ट्रक, दिल्ली से आपका लोड डला हुआ है, अब जो आपके साथ जो 500 लोग जो ऐड है वो क्या कर रहे हैं, आपके एप्लीकेशन पे जो दिल्ली से मुंबई का लोड डला हुआ है वो देख रहे हैं। अब उसमें से 500 में हम मान लेते हैं कि सिर्फ 10 लोगों का ट्रक दिल्ली में अवेलेबल है, दिल्ली में मतलब जहां से आपका बिजनेस होता है वहां अवेलेबल है, तो 10 लोग क्या करेंगे, आपके एप्लीकेशन के ऊपर बिडिंग करेंगे क्योंकि उनको लोड चाहिए चाहिए। पहले ये होता था कि आप कॉल करके उनको बताते थे कि यहाँ के लिए लोड है, अब वो देखेंगे कि वहाँ पे लोड अवेलेबल होता है तो वो आपके एप्लीकेशन पे करेंगे क्योंकि वो आपके साथ पहले से जुड़े हैं, तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी जो है आपको देंगे। तो वहाँ पे अब क्या होगा ये बताते हैं कि जो 10 लोग हैं, 10 लोग में से मान लेते हैं कि 5 लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि मैं एप्लीकेशन पे बिडिंग करता हूँ, मैं यहाँ से ट्रक भरवा करके ले करके जाऊँगा, तो वो 5 लोग, कोई बंदा उसमें क्या करता है 45,000 का रेट डालता है, कोई 44,000 का रेट डालता है, कोई 44,500 का रेट डालता है, तो यहाँ पे आपको कंपेयर करने के लिए रेट मिल जाते हैं, अलग अलग रेट्स मिल जाते हैं, और आपको पता है कि जो 5 बंदा बिडिंग कर रहा है उसमें से कौन सा ट्रक वाला जो है सही है, जिसके साथ क्या बिजनेस करके ज़्यादा हैप्पी होते हो, जिनका ट्रक सर्विस ज़्यादा अच्छा होता है, जहाँ से कि आपको पीओडी टाइमली मिल जाता है, आपको डिटेल्स टाइमली मिल जाते हैं, ट्रक टाइमली पहुँच जाता है, जिनके ड्राइवर्स के पास के ड्राइवर के साथ कोऑर्डिनेशन सही होता है, तो ये सब चीज़ें जब आपको मिल जाती है तो आप चाहोगे कि वो 5 लोगों में से किसी एक लोग को सिलेक्ट करें, क्योंकि ट्रक तो एक ही जाना है। तो इस कंडीशन में जो बंदा वहाँ पे जो बंदा वहाँ पे रेट कम डालेगा या फिर जिसको आप सही समझते हो 5 में से, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो और उनका ट्रक आप लोडिंग के लिए भेज सकते हो। यहाँ पे फायदा आपको क्या होने वाला है, पहला नंबर कि जो सर्विसेज अच्छा देते हैं उनके साथ आप बिजनेस कर सकते हो, उनका ट्रक आप लगा सकते हो। दूसरा नंबर, रेट कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ पे रास्ता मिल जाता है, जो ट्रक मालिक आपको पहले 44,000 में ट्रक देता था
वही ट्रक मालिक चूंकि आपके एप्लीकेशन पे लोड अवेलेबल है, टाइमली आप उनका पेमेंट करवाते हो और टाइमली लोड करवाते हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी भी वो आपको ही देते हैं, तो यहाँ पे रेट भी थोड़ा डाउन हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो कमीशन है, जो आपका प्रॉफिट है, वो बढ़ जाता है। वो भी कैसे होता है मैं बताता हूँ कि आप जो लोड डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं से पक्का रहा है, तो आपके पास कहीं से भी वो लोड जो आ रहा है वो आपको अलग अमाउंट दे रहा है। मान लेते हैं कि वो बंदा आपको 48,000 रुपये दे रहा था दिल्ली से मुंबई का। जब आप फोन पे किसी से ट्रक लेते थे, कोई ट्रक मालिक को कॉल करते थे, तो आपको 45,000 रुपये ट्रक मिलता था, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। और बट जब आप वही बिडिंग पे लेकर के गए हो तो आपको मिला कितने में, 44,500 या फिर 44,000 में। तो यहाँ पे 1,000 रुपये या फिर 500 रुपये पर ट्रक आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तरीका है दोस्तों, जहाँ पे कि आप एक स्टेप वाइज अपने एप्लीकेशन को डेवलप करके मार्केट में धीरे धीरे करके लॉन्च कर सकते हो। ये जो लॉन्चिंग था जो मैं अभी आपको बताया हूँ, ये आपका इंटरनल लॉन्चिंग था। जब आप वो 500 ट्रक वालों में से 50 ट्रक वालों को भी पर डे लोड देना स्टार्ट कर देते हो, तो मान के रखिए कि आपका एप्लीकेशन जो है मार्केट में लॉन्च होने के लायक हो रहा है और आप उसको धीरे धीरे मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो ये तरीका है दोस्तों, जहां से कि आप एक स्टेप बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे आप स्टेजिंग के साथ बिजनेस कर सकते हो, एक एक स्टेप के साथ बिजनेस कर सकते हो, और आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ से आपको किस तरह से प्रॉफिट मिल सकता है। अगर कहीं पे गलती भी करते हो तो आपके अपने ट्रक वाले हैं सारे के सारे, इनके साथ आप पहले से काम किए हो, तो सुधार करने का भी अवसर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये था डिटेल, जहां से कि मैं आपको बता रहा था कि आप अपना एप्लीकेशन बनवा करके मार्केट में कैसे लॉन्च करोगे, उससे पहले अपने ट्रक वालों के साथ इसको कैसे लॉन्च करोगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। इसमें अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ये ऐसे सारे बिजनेसों के लिए मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूंगा। इस तरह के बिजनेसेस करना मुझे भी बिल्कुल पसंद है, क्योंकि मैं खुद अपने कंपनी में जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ इसी तरह का बिजनेसेस होता है हमारा, और वहाँ पे हमारा रोल बहुत ज़्यादा होता है, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों का रोल होता है जो कि उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो मुझे जरूर बताएं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।